जितना सनातन धर्म मानने वाले का आदर हम करते हैं, उतना ही आदर हम करते हैं जो मंदिर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार की जुबान फिसली, कहा आरएसएस के लोग मंदिरों में नमाज पढ़वाना चाहते हैं। जी हाँ, कल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और उसी समय उन्होंने ये बात कह दी, जब बगल के लोगों ने कहा कि नहीं मस्जिद, तब उन्होंने फिर से उस सेंटेंस को, उस वाक्य को सुधारा। लेकिन श्रवण कुमार ने जो आरोप लगाए हैं आरएसएस पर, श्रवण कुमार पहले ऐसे मंत्री नहीं है जिन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया है, तमाम आरोप नेहरू के समय से आरएसएस पर लगते रहे हैं। लेकिन कल श्रवण कुमार ने भी कहा कि आरएसएस जो है वो अंग्रेजों की मुखबिरी करता था, आरएसएस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अंग्रेजों को जानकारी देता था, देशभक्तों के खिलाफ षड्यंत्र रचता था, और आज उसी आरएसएस की सरकार जो है दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई है। अब इस पर क्या बवाल मचने वाला है, संघ की क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये तो हम आपको निश्चित तौर पर दिखाएंगे। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं पहले, कैसे उनकी जुबान फिसली है, नीतीश कुमार के बड़े नजदीकी मंत्री हैं श्रवण कुमार की, सुनवाते हैं आपको। जितना सनातन धर्म मानने वाले का आदर हम करते हैं, उतना ही आदर हम करते हैं जो मंदिर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, गिरिजाघर में पूजा करते हैं, गुरुद्वारा में पूजा करते हैं, जितने लोग मंदिर में पूजा करते हैं सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान इंडिया करके नफरत फैलाने का काम करती है, और नफरत से समाज नहीं चलता है। मैंने ये कहा कि देश में जो आज़ादी के लिए हमारे पुरखे लड़ रहे थे, उस समय ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, हमारे जो आंदोलनकारी थे, हमारे जो देशभक्त थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, मैंने ये कहा। और आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किस मुँह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब आज़ादी के में कोई आपका योगदान नहीं है, तो किस मुँह से आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये बात मैंने कही है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती है कि सावरकर और तमाम जो महापुरुष रहे हैं वो हमारे आदर्श हैं और हमारे ही लोग थे। ये सावरकर जो लोग थे और उनके जितने लोग थे, उनके बैकग्राउंड में जाइए, इन लोगों ने अंग्रेजों के मुखबिरी की है, और यहाँ तक कहा है कि अगर ये दलितों को, पिछड़े को, गरीबों को अगर कोई हक देता है, अल्पसंख्यक को हक देता है, इससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना, ये भी उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है। मतलब कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने मुखबिरी की थी? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ। तो आपने सुना, ये थे श्रवण कुमार, इस बार एकदम आरएसएस पर आग बबूला थे और आरएसएस की पोल पट्टी खोल रहे थे। अब देखना ये है कि क्या भाजपा और संघ के तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।